नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईटीआई नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी था ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। हमको इस ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना था और जिसमें कि हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको इसका रिप्रेजेंटेशन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का करना था। एक्सिस बनाने के बाद हमको क्वेश्चंस को थोड़ी सा देख लेना है कि हमें क्वेश्चंस का व्यू किस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से था। तो यहाँ पर हमको फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड में नीचे बना हुआ था, साइड व्यू राइट हैंड साइड में नीचे बना हुआ था और प्लान यानी कि टॉप व्यू हमारा ऊपर था। तो यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें जहाँ पे दिखाई देता है वहीं पे हमको उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे बना हुआ है, तो हमारे लिए जो एक्सेस है यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू बन जाता और यहाँ पर हमारा साइड व्यू बन जाएगा और यहाँ पर हमारे लिए टॉप व्यू बन जाएगा, क्योंकि जो टॉप होता है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो अब चलिए दोस्तों, इसमें हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको डायमेंशन आई हुई थी। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि फ्रंट व्यू में जो डायमेंशन थी वो 60 दी हुई है, साइड व्यू में जो हमको डायमेंशन दी हुई है टोटल 40 दी हुई है और जो इसकी हाइट हमको दी हुई है वो भी हमको कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेंथ, हाइट और विड्थ को नोट कर लेते हैं। लेंथ हमको 60 है, विड्थ हमको 40 है और हाइट हमको भी 40 दी हुई है। अब हमें अगर फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू में दोस्तों हमको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि फ्रंट व्यू में हमें हमेशा लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम सामने देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में हमको ये सेक्शन दिखाई दे रहा था, ये हमारा फ्रंट व्यू से हमको ये सेक्शन दिखाई दे रहा था। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते, सबसे पहले जो लेंथ और हाइट है इसका हमको एक बॉक्स बना लेना था। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं उसका हम बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू में हमको हाइट 40 लेना था, तो हम इस तरीके से 40 ले लेते हैं और इसको डार्क कर देते हैं। और लेंथ हमको 60 लेना था, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर 60 ले लेंगे और उसको डार्क कर देंगे। अब हमको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस कोने से ये जो हाइट थी ये हमारे लिए 10 दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोने से हम ऊपर 10 जाते और इस कोने से भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमको 20 दी हुई है। तो यहाँ इस कोने से हम जो है 20 ऊपर जाते। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से हमको 20 जाना था और यहाँ नीचे से हमको 10 जाना था। तो ये यहाँ से 10 और यहाँ से ये 20 और हमको ये जो लेंथ दी हुई थी ये लेंथ हमको कैलकुलेट कर लेना था। टोटल 60 है, 60 में यदि हम 20 माइनस कर देंगे तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी 40। तो हमको ये लेंथ 40 की बना लेना था लाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमको इस पॉइंट से और यहाँ पर ये जो हाइट दी हुई है ये हमको दी हुई है 15। तो हम दोस्तों इस पॉइंट से 15 ऊपर जाएंगे और 40 की ये लाइन ड्रॉ कर देंगे।
कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं साइड व्यू के लिए। तो साइड व्यू में हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ये साइड व्यू में ये सेक्शन हमको दिखाई देगा और हमको ये सेक्शन साइड व्यू में दिखाई देगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइड व्यू में हम बनाते क्या हैं। तो साइड व्यू में हम हमेशा विड्थ एंड हाइट ये हमको दिखाई देता है। तो साइड व्यू में हमको हमेशा विड्थ और हाइट दिखाई देती है। तो हम इसका सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। विड्थ हमारे लिए है 40 और हाइट हमारे लिए है 40। अब हमको यहाँ पर साइड में नीचे से 10 सेंटीमीटर में ये वाली लाइन दिखाई दे रही थी, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 10 सेंटीमीटर ऊपर। और इस पॉइंट से हम जाएंगे 20 mm। यहां से हमको ऊपर जाना था 15 mm। और इसको हमको ऊपर के कोने से ज्वाइन कर देना था। तो दोस्तों ये हमारा साइड व्यू बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं टॉप व्यू के लिए। तो हमें इस फिगर में टॉप व्यू में हमको ये वाला सेक्शन दिखाई देता और हमको ये वाला सेक्शन दिखाई देता। टॉप व्यू में हमको लेंथ विड्थ दिखाई देती है। तो हमारे लिए लेंथ है 60 और विड्थ है 40। तो हम 60 और 40 का पहले बॉक्स बना लेते हैं टॉप व्यू में। अब इसके बाद हमको टॉप व्यू में यहाँ से ये दूरी दिख रही है 20 mm। तो हम 20 mm ऊपर ड्रॉ कर लेंगे लाइन कुछ इस तरीके से। ये सेक्शन दिखाई दे रहा था टॉप व्यू में, तो ये सेक्शन हमारा नीचे से 20 mm पे है। तो हम यहाँ नीचे से 20 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर देना था। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका टॉप व्यू बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट व्यू है। यहाँ पर हमको इसे लिख देना था फ्रंट साइड एंड टॉप और इन सभी की हमको दे देना था डायमेंशनिंग।
कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की डायमेंशनिंग कर देनी थी, और डायमेंशनिंग करने के बाद यहाँ नीचे नोट में लिख देना था ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। इसके बाद दोस्तों हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना देना था कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा थर्ड एंगल का सिंबल भी बना देना था, और इस तरीके से हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से ही आप अगर एग्जामिनेशन में बनाकर आए हैं तो आपको पूरे 30 में से आउट ऑफ 30 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।